हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे पालक का पराठा। और ये थोड़ा हेल्दी रेसिपी है। इसके लिए देखिए, मैं पालक को धो कर ले गई हूँ, पूरा अच्छे से 4-5 बार धो कर ली हूँ पानी से, अच्छे पानी से। तो उसको मैं थोड़ा सा पानी डालकर, मीन्स 2-3 टेबल स्पून पानी डालकर, उसको मैं ऐसे खुला ही थोड़ा भून लूँगी, मतलब पानी के साथ थोड़ा हाई फ्लेम पर भून लूँगी। रॉ स्मेल जो रहता है ना पालक का, वो जाने के लिए सिर्फ भुनना है। कच्चा अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसमें से थोड़ा मेडिसिन जैसा स्मेल आता है, तो हम थोड़ा सा भून लेंगे इसे। और उसका है कभी ठंडा होने के बाद पेस्ट बनाएंगे और पराठे के लिए यूज करेंगे। तो मैं पराठे के लिए ली हूँ 2 हरी मिर्च, 1/2 टेबल स्पून जीरा, हींग 1 पिंच, चीनी 1/2 टेबल स्पून और नमक 1/2 टेबल स्पून। एक बाउल पर मैं 1/2 कप बेसन, 1/2 कप रागी का आटा ले गई हूँ। तो उसमें मैं क्या करूँगी, अभी मेरा जो पालक है ये शायद 1 कप होगा, तो 1 कप के करीब होगा उसका पेस्ट जो है, तो मैं उसके हिसाब से सब ली हूँ। तो देखिए, तो ये जो पालक है उसके साथ थोड़ा सा पानी था, उसमें मैं अभी 2 हरी मिर्च और हींग 1 पिंच मैं यूज कर रही हूँ, देखिए उसको डाल दूँगी, जीरा 1 पिंच और हरी मिर्च 2 ठो, उतना डालकर मैं उसी पालक का जो पानी था उसके साथ ही एक पेस्ट बना लूँगी। तो ये जो मेरा 1/2 कप बेसन है, 1/2 कप रागी का आटा है, उसमें मैं 1/2 टेबल स्पून चीनी, 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। उसमें अभी मेरा जो पालक का पेस्ट है उसको मैं अभी डाल दूँगी इसमें, ये मेरा जो आटे पर, और गेहूँ का आटा जो है मैं पूरा 1 कप इस्तेमाल करूँगी। तो टोटल में मैं 2 कप आटे का इस्तेमाल करूँगी और ये जो पेस्ट रहेगा हमारा 1 कप, मतलब 2 कप आटे के लिए 1 कप पानी काफ़ी रहता है, वैसे ही ये पेस्ट काफ़ी रहेगा। तो ये देखिए, मैं ऑयल जो है रिफाइंड ऑयल 2 टेबल स्पून डालकर मेरा आटा जो है मैं गूंद लूँगी, उसमें मेरा इसको थोड़ा मिक्स कर लूँगी और मेरा पालक का पेस्ट डालकर आटा को गूंद लूँगी। आप चाहें तो थोड़ा हरी मिर्च ज़्यादा डाल सकते हैं, मैं थोड़ा तीखा कम ही की हूँ। तो देखिए, ये पेस्ट डालकर हम अच्छे से मिला लेंगे और इसमें हमारा आटा जो है 1 कप ही यूज होगा। मैं 2 कप करीबन आटा को निकाल कर रखी हूँ, तो मैं 1 कप आटा ही इसमें इस्तेमाल करूँगी। तो टोटल में मेरा जो बेसन, गेहूँ का आटा और रागी का आटा 2 कप इस्तेमाल हो रहा है, और उसके हिसाब से 1 कप ये जो पालक का जो पेस्ट है वही इस्तेमाल हो रहा है। तो अच्छे से आटा को गूंद लेंगे अभी, अगर थोड़ा पानी चाहिए होगा तो डालना, नहीं तो नहीं। तो देखिए, मेरा आटा गूंद कर तैयार हो गया है, तो उसमें थोड़ा ऑयल लगा कर हम ढक कर अभी रख लेंगे 15 मिनट के लिए, उसके बाद हमारा जो पराठा बनाएंगे। ये जो पालक का पराठा है थोड़ा अलग है, क्यों ना इसमें रागी का आटा, बेसन का इस्तेमाल हो रहा है, ये थोड़ा हेल्दी है, तो आप आराम से इसको बनाकर एंजॉय कीजिए, क्यों ना ये हेल्दी रेसिपी है थोड़ा। देखिए, तो आटा जो हम गूंदा हुआ हमारा जो था, 15 मिनट हो चुका है, तो हम इसको ऐसे बेल कर एक रोटी का सेप दे देंगे, तेल या घी के साथ हम सेक कर निकाल देंगे, पैन पर फ्राई कर निकाल लेंगे, तो हमारा जो पराठा है वो बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए, मैं उसको एक बेलन की मदद से ऐसे रोटी का सेप दे दी हूँ, तो उसको हम अभी हाई फ्लेम पर एक पैन पर, रोटी सेकने वाले पैन पर उसको रोटी जैसे बनाएंगे, तेल के साथ या घी के साथ, आपको जैसा मन करे वैसा ही बना लीजिएगा। तो देखिए, ऑयल थोड़ा मैं ग्रेस कर ली, थोड़ा सा सीख गया है मेरा जो पराठा है, इसमें और थोड़ा ऑयल जो है देन लगाना पड़ेगा। तो देखिए, फिर से दोनों तरफ से थोड़ा पलट कर हम उसको फिर से थोड़ा रोस्ट कर लेंगे और इसको सर्व कर लेंगे। किसी भी करी के साथ, चटनी के साथ इसको खा सकते हैं हम, दही के साथ भी खाने से अच्छा लगेगा। मैं आलू और मटर की करी के साथ ये बनाई हूँ, आप दही के साथ भी खा सकते हैं, किसी भी करी के साथ भी खा सकते हैं, तो इसको ज़रूर बनाइए। ये बहुत हेल्दी रेसिपी है, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, हाई प्रोटीन है और हाई फाइबर भी है, तो पालक जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये पराठा बनाकर ज़रूर देखिए, ये बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। फिर मिलेंगे और एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।